इंदौर जू से मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, चिड़ियाघर में अफ्रीकन जेब्रा ने जन्म लिया है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब अफ्रीकन जेब्रा ने जन्म लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लिए इंदौर जू से आई खुशखबरी। एमपी में पहली बार अफ्रीकन जेब्रा ने लिया जन्म। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आया नन्हा मेहमान। जन्म के कुछ ही देर बाद मां के साथ चलने लगा नन्हा अफ्रीकन जेब्रा। मध्य प्रदेश में पहली बार अफ्रीकन जेब्रा का जन्म हुआ है। इंदौर चिड़ियाघर में रविवार देर रात अफ्रीकन जेब्रा ने जन्म लिया। बेबी जेब्रा पूरी तरह से स्वस्थ है और जन्म के थोड़ी देर बाद ही मादा जेब्रा के साथ चहलकदमी करने लगा। पर्यटक जल्द ही इसका दीदार कर सकेंगे। बता दें कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जामनगर से 5 महीने पहले जेब्रा का जोड़ा लाया गया था। पूरे प्रदेश में जेब्रा सिर्फ इंदौर जू में है, जिनकी संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। इंदौर जू को ये जेब्रा का जोड़ा 3 राज्यों में 3 साल तक कोशिश करने के बाद मिला था। ये गुजरात से मिला था, जिसके बदले इंदौर से व्हाइट टाइगर वहाँ भेजा जाएगा। जेब्रा प्रजाति का एनिमल है ये, और चूँकि अफ्रीकन प्रजाति का एक्जोटिक स्पीसीज का ये एनिमल है। उसमें रात के करीब 12 बजे के आसपास एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया उसने, और हमारे जू के लिए खुशी की खबर इस बात भी है कि एक्जोटिक प्रजाति में कैप्टिविटी में ब्रीड किया ये एनिमल, जिसकी जूज में काफ़ी डिमांड रहती है। और हमारे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमको और भी अच्छा फ़ायदा देंगे, जब हम दूसरी स्पीसीज या दूसरी बड़ी ब्रीड के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे, जिसकी दर्शकों में काफ़ी डिमांड रहती है। तो उसके लिए हमारे लिए काफ़ी मददगार रहेगा ये, और ये भी अच्छी बात है कि जो हमारी फीमेल है वो काफ़ी फर्टाइल निकली है, और आगे भी इसकी वंश वृद्धि होगी ऐसी उम्मीद की। देखिए, 6 महीने पहले हम लोग इसको जामनगर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लेके आए थे, और ये हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि जब लेके आए थे तभी ये वहाँ से मैट होके आई थी, और यहाँ पर जिस तरह से उसका जो डेवलपमेंट चल रहा था उससे जरूर लग गया था कि कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देने की तैयारी है इसकी। उसी तरह से हम लोगों ने फिर इसकी केयरिंग भी शुरू कर दी थी, और आज परिणाम सामने कि एक स्वस्थ बच्चे को रात के 12 बजे फीमेल ने जन्म दिया है। नहीं, मध्य प्रदेश में एक बात है, इंदौर जू ऐसा है जहाँ पर इक्वाइन प्रजाति का ये जो जीवरा है ये है, और किसी दूसरे जू में नहीं है, और दूसरे कंट्री के दूसरे जू में है भी तो बहुत कम ऐसे जू है जहाँ पर ये ब्रीड कर रहा है, और इंदौर जू इसमें लकी रहा है कि हमारा ये जेब्रा ब्रीड किया है यहाँ पर, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नहीं देखिए, वातावरण तो सब जगह करीब करीब इंडियन कंडीशन में सब जगह एक जैसा रहता है, डिपेंड करता है कि आपकी केयरिंग क्या है, आप उसको कुछ तरह से उसका हैबिटेट, उसका फूड फीडिंग शेड्यूल, उसका मेडिकेशन, उसका जो शेड्यूल और भी रहता है उसको एक मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो हम लोग किस लेवल पर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एनिमल ब्रीड तभी करता है जब वो स्ट्रेस फ्री हो, उसमें किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, चाहे फिजिकल मेंटल या और भी किसी तरह का एनवायरमेंटल, इस तरह का जो स्ट्रेस लेवल रहता वो कहीं ना कहीं ब्रीडिंग को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें उनके लिए जितने प्रयास हम लोगों से हो सकते थे हम लोगों ने सारे किए, और इसी के परिणाम है कि हमारे एनिमल्स ब्रीड कर। नहीं देखिए, जेंडर के बारे में भी हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मदर की केयरिंग में और मदर उसको बिल्कुल छोड़ नहीं रही, तो उसको डिस्टर्ब करना भी इसी स्थिति में ठीक नहीं है, इसलिए जेंडर तो बाद में भी पता चल जाएगा। फिलहाल अफ्रीकन जेब्रा का जन्म इंदौर जू प्रबंधन के लिए बड़ी उपलब्धि है। नन्हे मेहमान की पूरी देखरेख की जा रही है, और जल्द ही पर्यटक नन्हे मेहमान को निहार सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।